कोई कहता है कि गजल बहुत खाती है, कौन कहता है जल्दी से कमेंट करो। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी सब्जी वगैरह सब बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? क्योंकि आज हमें कहीं जाना है और आप जानते होंगे वैसे भी शॉपिंग मैंने की है, आपको दिखाया भी था उस दिन, मैंने ब्लॉग में दिखाया था आपको। तो मेरी मामा की लड़की की शादी है, तो उसी के लिए मुझे जल्दी काम करना है और आज है उसकी हल्दी की रस्म है। तो मुझे शाम को क्या आई थिंक वो 2 बजे के बाद ही जाना होगा जब बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ और चाय नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। गीत को लंच बना दिया था सुबह, बच्चे चले गए थे स्कूल, तो उसके बाद में मैंने सोचा जल्दी से काम निपटा लेते हैं, और क्योंकि वहाँ पर जाने में टाइम भी लग जाएगा, आने में टाइम लग जाएगा सॉरी। वहीं से थोड़ा सा मार्केट करेंगे और फिर उसके बाद में बच्चों को भी आज मार्केट करानी है क्योंकि उनके लिए ड्रेस लानी है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आके आना है। तो ड्रेस तो मम्मी के साथ में ही ले लेंगे जाके वहीं से, और जब यहाँ पे आके, क्योंकि सैंडल वगैरह जो होती है ना वो क्या होता है कि उन लोगों को ले जाने में ही सही रहता है क्योंकि नाप सही रहती है और साइज़ का पता चल जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है वही फ्रीली साइज़ होता है, बिल्कुल फ्री साइज़ होता है फिर भी नहीं आता है, कभी कभी छोटा साइज़ भी आ जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी काम निपटा रही हूँ, तो इतना भी है सब काम निपटा देंगे। बर्तन वगैरह होंगे वो भी सब धुल के रख देंगे और सारा खाना पीना सब बना के रेडी रहना है जब बच्चे आएंगे, बस मुझे सिर्फ रोटियां बनानी होंगी। तो इसीलिए देखो भगवान के बर्तन होंगे वो सारे, सब काम निपटा किचन, क्योंकि सुबह तो मॉर्निंग में सारा काम हो जाता है हमारा, लेकिन जो मेन होता है वो पूरे दिन किचन में ही लगता है। सबको पता होता है, वुमेंस जितनी होंगी ना उनको सबको पता होता है कि जो किचन का काम कभी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि वो चाहे जितना भी हो ना कि आप सोचे कि ये काम, अगर पानी भी आप ग्लास से पियोगे ना वो भी गंदा होगा, तो वो भी हम ही लोगों को ही धुलना होता है क्योंकि बाहर से तो कोई धुलने वाला है नहीं, या फिर मेट लगवानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए देखो बर्तन वगैरह सब मेरे बन चुके हैं, और मेरी आदत है कि अगर थोड़ा सा भी काम होता जाता है तो मैं सफाई तुरंत कर देती हूँ, क्योंकि गंदा रहता है ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं अच्छा लगता भाई, तो मैं सफाई करती रहती हूँ। अगर थोड़ा सा भी मैंने कुछ भी करते हैं तुरंत मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे आ गया था दूध वाला, आ गया था तो मैंने ढाप पे चढ़ा देना है इंडक्शन में। तो यही सारा काम निपटता जा रहा है मेरा, और आप लोगों से बातें वगैरह भी होती जा रही हैं। तो अब बिल्ला को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि साफ तो धुल के तो रखा था, लेकिन क्या होता ना कुछ अगर रोटी वगैरह बनाने से पहले ही उसको एक बार और साफ़ कर लो ना तो सही रहा है। तो बच्चे तो आ चुके हैं, तो अब गीत कुछ प्रोजेक्ट बना रही हैं कुछ भी, और वही काम निपट रहा था। मैं पूछ रही हूँ क्या कर रही है, तो कह रही है कि आप जो देख रही हो वही हो रहा है। तो अब चलिए चलते हैं, आपको हम गज़ल को दिखाते हैं। तो गज़ल क्या कर रही है वो आप देखिए। तो गज़ल भी वर्क कर रही हैं अपना, तो धूप में बैठ के इस बच्चे कर रहे हैं। तो गज़ल बाहर गीत बाहर वाले कमरे में गज़ल। तो सब्जी वगैरह मेरी बन चुकी थी, सिर्फ रायता बनाना था। तो अब रोटियां बना लेंगे और बच्चों को खिला देंगे और उसके बाद मुझे निकलना है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये देखिए मैंने ये ड्रेस पहनी है क्योंकि हल्दी की रस्म है, तो इसलिए मैंने ये पहनी हुई। तो अब मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ। तो ये फ़ोटो है, ये मेरे साथ में मेरी मामा की लड़की, इसकी शादी है, ये मेरी भाभी जी हैं, छोटी भाभी मतलब है मेरी ये। तो अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है क्योंकि मुझे मम्मी के साथ मार्केट भी जाना है। तो ये देखो गिरी गया। तो अभी मम्मा बिल्कुल होकर आई हैं मार्केट, और मम्मा कल भी गई थी, और ये डे 2 है आज का जो व्लॉग है उसका डे 2 है। और मम्मा लाई हैं ये नाग की बाली, आपने देखा होगा ना नागिन क्या थ्री था, हाँ नागिन 3 में जो बेला थी ना वो ऐसे ही पहनती थी ना, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। और एक्चुअली ना मम्मा ये अलग अलग शॉप से लाई हैं, बट फिर भी ये देखो एकदम मैच कर रहा है, ये देखो है ना, मैच कर रहा है ना। और साथ ही साथ वो बैंगल्स आपने देखे होंगे। और हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखा करो कि आप लोग ना वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करा करो, पूरा एंड तक वीडियो देखा करो। अगर आपको स्किप करना हो ना तो
पहले हमसे पूछ लिया करो। इवनिंग हो रही है तो हमें जाना है, अभी मार्केट जाना है, अभी हो रहा है 6:30 हो रहा है तो हमें जाना है मार्केट जाना है, तो गीत के लिए लानी है जूती और बिकॉज कल मेरे लिए ड्रेस आ गई थी और है मेरी मौसी की शादी। हाँ मेरी मौसी की शादी, मेरी बहन है, मामा की लड़की है वो, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो गजल गुस्सा है बिकॉज उसको खरीदनी है जूती, तो गजल की पसंद की जूती खरीदेंगे। तो चलो, तो भाई चलो अभी हम लोग चलते हैं और रियली मतलब बहुत ही एकदम मजा आने वाला है एकदम वीडियो में। तो चलो अपनी अभी से यहाँ की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जर्नी नहीं इतना लंबा कहीं जा नहीं रहे हम लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लोग यहाँ पर मॉर्गेज चला गए हैं एंड मैं हूँ पीछे। तो अभी हम लोग इधर आ चुके हैं, थोड़ा पास में ही है ना अम्मा, यहीं पर है थोड़ा सा पास और चलो भागते हैं गजल जैसे कि कह रही हैं। आ चुके हैं तो अभी मम्मा कह रही हैं कि वाली लेंगे। मम्मा कौन सी दिखा रही थी, ये वाली आई एम लाइकिंग, ये वाली पैर भागी गया इसका, पैर वो पानी भागेगा इसमें क्या पता नहीं खाना खाना है ना, पहले हम पानी पी लेते हेलो। अभी हम लोग खाए आने, तो अभी हम लोग आए हैं मोमोज खाने और मम्मा भी हम, और गज़ल क्या खाने आए हम लोग, तो अभी गज़ल हम लोग बता से भी खा चुके हैं लेकिन गज़ल का पेट कभी नहीं भरता है, कोई कहता है हाँ कोई कहता है कि गज़ल बहुत खाती है, कौन कहता है जल्दी से कमेंट करो। हम देख रहे हैं फोर्क से थोड़े ना खाया जाता है, फोर्क वो ऐसे ही खा जाते बेटा, गरम है ना छोटे लोग मेरी चप्पल देखो गाइस, मेरी चप्पल अच्छी है इसकी दोनों की अच्छी है। तो यहीं से होता है व्लॉग ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।